पर झज्जर से है माउंट एवरेस्ट फतह कर घर लौटी पर्वतारोही अस्मिता। परिवार वालों और शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। अस्मिता ने दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल की। बिना ऑक्सीजन माउंट मनासलू तक चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं अस्मिता। अस्मिता का जन्म नेपाल और पालन पोषण भारत में हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट फतह कर घर वापस लौटी हैं पर्वतारोही अस्मिता, जिसके बाद उनके परिवार में और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया अस्मिता का। आपको बता दें कि दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे प्रयास में अस्मिता ने यह सफलता पाई है। बिना ऑक्सीजन माउंट मनासलू तक चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है अस्मिता। तो परिवार ने और शहर ने जोरदार स्वागत किया है अस्मिता का, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह कर घर वापस लौटी है। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता प्रदीप धनखड़ के पास। प्रदीप, क्या कुछ बताया गया, क्या जानकारी है, कितने समय में अस्मिता ने ये सफलता पाई, क्या चुनौतियां उनके सामने रही और किस तरह से वापस लौटने पर उनका स्वागत हुआ? जी बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट फतह कर घर वापस अस्मिता पहुंच चुकी है। जज्जर की बहू है अस्मिता, परिजनों और शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। साथ ही जो उनके परिजन, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेटे की नहीं, वो के भी सपने जो है वो साकार करने के लिए उनके परिवार ने पूरी कोशिश की है। अस्मिता का कहना है कि -30 से 40 डिग्री में सांस लेना भी मुश्किल था, खाना बनाना भी मुश्किल था। इतना ही बिना ऑक्सीजन के जो है वो उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई तो उन्हें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ये उनका दूसरा प्रयास था। इससे पहले माउंट मनासलू जो चोटी है उसकी वो सफलता हासिल कर चुकी है। इसके ये भी है कि अस्मिता का जन्म है नेपाल में हुआ था और अब उनकी शादी जो है वो झज्जर के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई है। फिलहाल जो शहर है या जो परिजन है सभी में खुशी का माहौल है अस्मिता की उपलब्धि। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।